हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कॉर्ड सी एफ जी कैसे पकड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट कॉर्ड देखते हैं, सी। यदि आप कॉर्ड पकड़ना सीख गए तो इसके बाद शिफ्टिंग कैसे करना है ये आप सीखिए। देन इसके बाद जब आप शिफ्टिंग करना सीख जाएं, फिर आप इसके साथ गाना गा सकते हैं। यदि आपसे शिफ्टिंग करना आ गया है तो फिर इसके साथ गाना गाना स्ट्रमिंग के साथ बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए पहले फर्स्ट हम सी कॉर्ड पकड़ते हैं। फर्स्ट फिंगर से हमें फर्स्ट फ्रेटबोर्ड, सेकंड स्ट्रिंग, देन सेकंड फिंगर, सेकंड फ्रेटबोर्ड, फोर्थ स्ट्रिंग, देन थर्ड फिंगर, थर्ड फ्रेटबोर्ड, फिफ्थ स्ट्रिंग। ये हुआ सी कॉर्ड। ये प्रॉपर आवाज ऐसी आनी चाहिए, इसका साउंड क्लियर आना चाहिए। जिस स्ट्रिंग को आपने टच किया है वही स्ट्रिंग टच होनी चाहिए। अदर स्ट्रिंग टच होगी तो साउंड आपका ऐसा आएगा, है ना। जिस स्ट्रिंग को आप टच कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, वही स्ट्रिंग का साउंड आना चाहिए, लाइक दिस। ये हुआ सी कॉर्ड। फर्स्ट फिंगर से हमने सेकेंड स्ट्रिंग पकड़ी, फर्स्ट फ्रेटबोर्ड, देन सेकेंड फिंगर से फोर्थ स्ट्रिंग, सेकेंड फ्रेटबोर्ड, देन थर्ड फिंगर से फिफ्थ स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेटबोर्ड। ये हुआ सी। यदि ऐसा साउंड नहीं आ रहा तो आप अभी सी की प्रैक्टिस करेंगे, है ना, फिर छोड़ेंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर पकड़ेंगे। ऐसा करेंगे धीरे धीरे, एक दो दिन में साउंड आने लगेगा। देन इसके बाद हम आएंगे एफ कॉर्ड में। एफ कॉर्ड में हमें फर्स्ट फिंगर से दो स्ट्रिंग पकड़नी है, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट फ्रेटबोर्ड, फर्स्ट स्ट्रिंग एंड सेकेंड स्ट्रिंग, फर्स्ट फ्रेटबोर्ड, फर्स्ट फिंगर, होल्ड टू स्ट्रिंग, ये लाइक दिस। देन सेकेंड फिंगर से हम थर्ड स्ट्रिंग पकड़ेंगे, सेकेंड फ्रेटबोर्ड, देन थर्ड फिंगर, फिफ्थ स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेटबोर्ड, देन फोर्थ फिंगर, थर्ड फ्रेटबोर्ड, फोर्थ स्ट्रिंग। ये हो जाएगा आपका एफ कॉर्ड। ऐसा साउंड नहीं आ रहा है आपका तो आप प्रैक्टिस करिए, फिर छोड़िए, फिर होल्ड करिए, देन लीव, फिर आपको होल्ड करना है, यही करना है यदि साउंड नहीं आ रहा है आपका। और एक कॉर्ड आप और बार कॉर्ड भी लगा सकते हैं। फर्स्ट फिंगर आपको चेंज करना है और सेम वही फिंगर रहेगी। फर्स्ट फिंगर से आप सारी स्ट्रिंग प्ले करिए, सारी स्ट्रिंग को होल्ड करना है आपको फर्स्ट फिंगर से। ये हो जाएगा बार कॉर्ड। और ये सिंपल मैंने जो बताया आपको, फर्स्ट फिंगर से दो स्ट्रिंग, फर्स्ट सेकेंड, देन सेकेंड फिंगर से सेकेंड फ्रेटबोर्ड, थर्ड स्ट्रिंग, देन थर्ड फिंगर, थर्ड फ्रेटबोर्ड, फिफ्थ स्ट्रिंग, फोर्थ फिंगर, थर्ड फ्रेटबोर्ड, फोर्थ स्ट्रिंग। ये हुआ F। देन इसके आगे हम आएंगे G। जैसे आपने F पकड़ा है ऐसे ही आपको थर्ड फ्रेटबोर्ड में आ जाना है और सेम फर्स्ट फिंगर से आपको सेम जैसा आपने एफ होल्ड किया है ऐसे ही होल्ड करना है आपको जी, बट वो आप आएगा किसमें, थर्ड फ्रेटबोर्ड में सेम। सेम आप शिफ्ट करेंगे थर्ड फ्रेटबोर्ड में। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं आपको, थर्ड फ्रेटबोर्ड,
first finger, twisting, first and second. Then fourth fretboard, second finger, third string. Then fifth fretboard, third finger, fifth string. Then fourth finger, fifth fretboard, fourth string. ये हुआ जी. आप बार कॉर्ड भी लगा सकते हैं. पहले तो आपको कॉर्ड लगाना आना चाहिए, देन इसके बाद धीरे धीरे आप शिफ्ट करना सीखिए. जब आप शिफ्ट करना सीख जाएंगे फिर आप इसके साथ गाने की कोशिश करिए. तो शिफ्ट कैसे करेंगे, नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ शिफ्टिंग का. डाउन 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 डाउन, देन आपको एफ में आना है. आपको जी में आना. नॉर्मल अभी प्रैक्टिस करनी है. अभी स्लोली स्लोली पहले तो चेक करना है साउंड सही आ रहा है प्रॉपर कि नहीं. साउंड सही आ रहा है इसके बाद आप शिफ्ट करिए एफ में, एफ के बाद जी में, और जी के बाद डायरेक्ट आप जा सकते हैं तो सी में फिर से आप जाइए. देन इसके बाद अदर जो कॉर्ड है मैं नेक्स्ट लेसन में बनाऊंगा. तो आज के लिए बस इतना ही. ये लेसन कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं. आज के लिए बस इतना ही. ओके बाय बाय. थैंक यू.